लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 2004 से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। जी मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी, बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी संत के बारे में जानना, उनके ज्ञान के बारे में जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो हमने उनकी उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है, वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए धीरे धीरे। जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे तो मुझे ही पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है इस धरती पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं लाभ की, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलने लग गए तो आपको लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं, तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की, इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड, मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल, उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला, मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दीक्षा जी सबसे पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे और लाभ जानने से पहले कि सभी संत तो कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकता है? सर आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए, लेकिन आज जितने भी नकली धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस लक 84 से छुटकारा बता दिया, और दूसरी बात जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना वो अथाएँ हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको, अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अचानक से ना मेरी लेफ्ट आई का जो विजन पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आँख का पर्दा बिल्कुल ख़त्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया क्योंकि मैं छोटी थी तब, तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है, मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सब सही है, लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी 4-5 साल पहले, इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बैठाया, लेंसेज लगाए आँखों पर
कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है, और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन, इवन लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर आज अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी, कि मेरी एक आँख बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती, लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के ज़माने में जब आप ये बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद इस तरह से लाभ मिलते हैं या भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि संत के पास जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नहीं मानती। साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देख कर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब बहुत, साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें, हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं, और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। आप संत रामपाल जी महाराज जी से 2004 से जुड़े हुए हैं, काफी लंबा अरसा हो गया है आपको उनसे जुड़े हुए। इस दौरान उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, वो जेल में भी गए हैं, बाहर भी आए हैं, और वो फिर से जेल में गए हैं, काफी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल रहा गुरुजी के जेल जाने का, संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने का, वो जेल में नहीं गए, जेल में हम हैं। पिछले 5 साल से जेल में हम हैं, और वो हमारे लिए ये सब लीला कर रहे हैं। उनको जितने भी दयानंद सरस्वती के जितने भी अनुयायी हैं, उन्होंने झूठे मुकदमों में उनको फंसा दिया बिना किसी सच्चाई को जाने। उनसे जलकर जितने भी जितने गंदे से गंदे आरोप हो सकते थे उन्होंने लगा दिए। लेकिन और मीडिया वालों ने, सबसे ज़्यादा मीडिया वालों ने हद कर दी पार, जब उन्होंने हद ये हर एक चीज़ गंदी से गंदी दिखा दी टीवी पर, और लोगों ने विश्वास भी कर लिया। लेकिन मैं उनसे, उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप अपनी जवान बेटियों को, अपने जवान बच्चों को ऐसी जगह पर भेजेगा? क्या वो पागल हैं? उन्हें खुद को दिखाई नहीं देता कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे? अगर लोग मीडिया की बात ना माने तो फिर वो कैसे इस बात का निर्णय करे कि कौन संत सही है कौन संत सही नहीं है, क्योंकि हजारों बाबा हैं, हर रोज किसी न किसी के ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, हर रोज़ कुछ ना कुछ आरोप बाबाओं पर लगते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक यही चीज़ करनी पड़ेगी, यही नहीं कि वो लोगों पर विश्वास करते चले जाएंगे या मीडिया पर विश्वास कर लेंगे। उन्हें हमारे गुरुजी जितनी भी बातें, जितने भी जितना भी ज्ञान देते हैं, सब पुराणों के ग्रंथों के आधार पर देते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं देखते। तो लोगों को क्या जाता है अगर वो 5 मिनट अपने ग्रंथों को, अपनी होली बुक्स को खोलकर देख लेंगे, उनसे उनकी बातें मैच करके देख लेंगे। सिर्फ इतना ही कहा है गुरुजी ने कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताता, तुम एक एक लाइन मैच करके देख लो, सब कुछ मैच करके देख लो। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कष्ट करके सिर्फ 5 मिनट पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। दीक्षा जी, जिस तरह का जमाना है और चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में, जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है, क्या आप मानते हैं कि, क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई कोई ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर बिल्कुल, और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
जी सर बिल्कुल, ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो वो सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे, रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज़ टक्कर मारी उन्हें, वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी, तो वो बीच रोड पर आकर गिरे, तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और अंकल को बोला, मतलब बोला अंकल आप ठीक हो, और उन्होंने कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो नहा, कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर, तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ, तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे, वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को मैं ये देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी फैशन की, जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, एक दिन आप पे, एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरु जी का सत्संग सुनकर देख लीजिए, आप आइए भी मत बेशक, एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी, हाँ, संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, सारी पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए जी। धन्यवाद। थैंक यू सर।